टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में अमृतपाल सिंह का क्वेश्चन है कि स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज विच बीएड करते होन तो अपनी टीपी अपनी मर्जी नाल लगा सकते हैं या नहीं। देखिए, जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो थोड़ा स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका गवर्नमेंट है, चलो गवर्नमेंट की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, मान लो गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर है ना, अगर उसमें 100 सीट्स हैं तो मिनिमम उसके पास 7 जो हैं 8, 9, 6 इतने स्कूल्स होंगे। तो स्कूल की लिस्ट, वो स्कूल पहले से ही हैं। आप क्या कर सकते हो, ये जो स्कूल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, 5 है, 6 है, इनमें से वो प्रेफरेंस पूछते हैं आपको कि आपने कौन से 3 चूज करने हैं नॉर्मली, क्योंकि आगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और प्रॉब्लम भी होती है, गर्ल्स बॉयज और एक ही स्कूल में सारे पंजाबी के या सारे साइंस के या ज़्यादा मैथ्स के टीचर नहीं, सारे डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, दैट इज़ वाई प्रेफरेंस लेते हैं। क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर में पढ़ा हुआ हूँ तो प्रेफरेंस लेते हैं, वो प्रेफरेंस पर आप फ्री हो कि मैंने ये स्कूल चूज करने हैं, उनमें से आपकी टीपी लगेगी। नॉर्मली गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट स्कूल ही प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट प्रेफर करने को कहती है। तो हाँ, प्राइवेट भी कोई हो सकता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन है, आपका आंसर ये बना कि आप फुली फ्री नहीं हो, जो कॉलेज के पास जो जुड़े हुए हैं, एफिलिएशन है जिन स्कूल्स की नियर बाय कॉलेज के उसी सिटी में, तो उनमें से आपको चूज करना होगा, ना कि उनके अलावा आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट में कई कुछ हो जाता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी करता है, यहाँ पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।